अरे आज तो मैं कम समय में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ तो सब टॉपर ही बैठे हैं, एक तरह से सबको प्राइज मिल रहा है। एक समय था हम भी ऐसे ही थे, बैठते थे तो। लेकिन मेरी जो शुरुआत थी बहुत ही लो लेवल से हुई थी, शायद किसी को, जो जो यहाँ बैठा किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं इस कोचिंग में आया था तो मेरी फिजिक्स भी खराब थी, केमिस्ट्री भी खराब थी, बायो भी खराब थी, मतलब सब जीरो, नथिंग। जैसे क्या होता है, 11th 12th में बच्चे फाउंडेशन करते हैं या किसी कोचिंग से प्रिपरेशन करते हैं, जो भी करते हैं, तो उनको पता रहता है कि हाँ नीट क्या होता है, नीट कैसे पेपर आता है, बच्चे टेस्ट भी देते हैं, तो सारी चीजें पता रहती है। और 12th के बाद तुरंत सिलेक्ट हो जाते हैं या फिर 1 साल की तैयारी करने बाद सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन 11th 12th में मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, मुझे मेरी तबीयत खराब थी दरअसल, तो 11th 12th मेरी पूरी बर्बाद थी। मैंने एनसीईआरटी कभी देखा नहीं था, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ किसी से, एनसीईआरटी मैंने नहीं देखा था। मैं दोस्तों का नोट्स फोटोकॉपी करा करा के पढ़ता था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी उस टाइम पे। मैं क्लासेस भी बहुत कम जाता था, यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गई थी कि पापा कह रहे थे 1 साल छोड़ दो, अगले साल 12th देना जो भी है। लेकिन मैं सोचा कि मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे, तो मैंने तब भी किया, जैसे तैसे करके 12th पास हो गए, बोर्ड पास हो गए। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे गुरुकुल में एडमिशन लिया। तो पहला टेस्ट हुआ, तो पहले दूसरे टेस्ट में मेरे 12-13 नंबर थे फिजिक्स में, करीब केमिस्ट्री में 20 से 30 नंबर, बायो में आई थिंक 70-80 नंबर होंगे, मतलब टोटल 100 नंबर से कम था मेरा, 720 में। और जो रिजल्ट होता है, मैं जब रिजल्ट चेक कर रहा था तो मेरा नाम कहीं दिख नहीं रहा था, तो पता चला सबसे नीचे वाला जो पेज था रिजल्ट का, उसमें मेरा नाम था। जो सबको पास कर दिया जाता है 100-100 देकर, क्योंकि बच्चे के मार्क्स बहुत कम आए रहते हैं, तो सबको 100-100 दे दिया जाता है लास्ट वाले में। तो ये सीन था, यहाँ तक कि दूसरे तीसरे टेस्ट में मेरा फिजिक्स में -6 भी आया था एक बार, -6। और मतलब ऑल टूगेदर 200-250 अप्रोक्स पूरे साल रहा। पहले साल मेरा ऐसे ही रहा, कुछ इंप्रूव नहीं पाता था, कैसे क्या कैसे पढ़ना है मुझे नहीं पता था। मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैठता था उसी बैच में, संदीप सिंह नाम था उसका, और इस टाइम वो मेरा ये सीनियर है मेरे ही कॉलेज में। उस टाइम वो सिलेक्ट हो गया था उसी साल फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरे बैच से वही बस सिलेक्ट हुआ था संदीप सिंह, तो मेरे साथ बैठता भी था। तो मैं उससे चीजें पूछता था कि हाँ कैसे करना है क्या है। तो पहले मेरे नीट में 307 नंबर आए, 307। तो यहाँ पे सर से आए मिलने की, सर कैसे क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैं काफी मेहनत किया लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं था, बस बायो एनसीईआरटी पढ़ा था, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब खराब था, मतलब कुछ भी नहीं सही था, मुझे कुछ नहीं आता था। मतलब लास्ट महीने पे मैंने 1 महीना पढ़ के बस बायो अच्छा करके 307 नंबर ला लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलाकर 307 नंबर। तो उसके बाद जब सर से मिले, एसके आर सर समझाया कि ये करो ऐसे करो, तो कोचिंग में क्या होता है शुरू शुरू में स्पीड कम होती है, तो दो तीन महीना मैंने खुद से फिजिक्स काफी मेहनत किया। मतलब जितना, जैसे हम 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 16 घंटा पढ़ रहे हैं, तो मतलब 12-13 घंटा मैं फिजिक्स पढ़ता था, बाकी 1-1 घंटा बायो केमिस्ट्री, क्योंकि इतना था कि फिजिक्स में अगर कर ले जाऊंगा, फिजिक्स में मेरा अगर 100+ भी आने लगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कर सकता हूँ। तो पहला टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट में 130 मार्क्स आ गए फिजिक्स में, कहाँ -6 था कहाँ 130 आ गया, फिर 120 आया, फिर 110 आया, लगातार 3 टेस्ट में हैट्रिक 100+, बहुत कॉन्फिडेंस था आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरा तो बायो भी खराब केमिस्ट्री भी खराब, जैसे ये होता है ना, बायो अच्छा रहता है तो हम ये सोचते हैं कि हम बस फिजिक्स कर लें तो मेरा सब सही हो जाएगा, लेकिन मेरा तीनों खराब था। तो इधर अब केमिस्ट्री बायो मैनेज करने लगे, तो केमिस्ट्री बायो कर देने के चक्कर में फिर फिजिक्स डूबने लगा, फिर ये करते थे फिर ये डूबने लगता था, करते करते लास्ट में समअप नहीं हो पाया। मतलब एक होता है ना, जैसे इस टाइम क्या है, पीक टाइम चल रहा है, बहुत लोगों का 600 नंबर टेस्ट में आता है, 650 नंबर आता है ना। देखिए कोई भी कितना बड़ा रिप्टर हो, बहुत लोग इस बैच में रिप्टर भी होंगे है ना, तो कितना भी बड़ा कोई रिप्टर क्यों ना हो, अगर आप लास्ट के 2-3 महीने नहीं करते अच्छा ना, तो सिलेक्शन नामुमकिन है। और यही कर लेते अगर ना, तो फिर बेस्ट कॉलेज में लगे, ये भी है। तो यही हुआ था, तो लास्ट में समअप नहीं हो पाया, और टाइम मैनेजमेंट और भी जो भी चीजें थी नहीं हो पाती थी। तो दूसरे साल मैंने बहुत मेहनत किया, मतलब मेरे फिजिक्स में यहाँ पे 150-160 भी आने लगे थे दूसरे साल ही। और सोचिए जिसके 150-160 आ रहे हैं फिजिक्स में, वो तो यही सोचे ना कि हाँ मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। लेकिन मेरा बायो भी खराब था, केमिस्ट्री भी खराब था, और वो सही रहता मैं उसी साल सिलेक्ट हो गया था शायद। तो उस साल नहीं हो पाया, तो उस साल जब रिजल्ट चेक करके वो नीट का एग्जाम दे कर आए, तो मुझे लगा 550 के अराउंड आएगा मेरा, तो अंदर से खुशी था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ का जो है आंसर शीट निकला नीट का, तो मैच किए, देख रहे हैं 505 के अराउंड आ रहे थे शायद मेरे मार्क्स, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर रहते ही हैं, तो इतना अंदाजा लग गया कि सिलेक्शन नहीं होगा अब, मतलब मेरा खत्म है, दूसरा साल भी गया। लेकिन दूसरा साल हम बहुत मेहनत किए थे, बहुत ज्यादा। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद जब नहीं होता है, तो आदमी यही सोचता है, बहुत रिपीटर होंगे, सबको लगता होगा हम 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कुछ नंबर से रुक जा रहा है, किसी का 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर से रुक जाता है।
तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि अब बीएससी चलो कर लेंगे। हम भी सोचे चलो बीएससी भी करेंगे, पापा बोलते तो बीएससी कर लो, तो हम सोचे बीएससी भी करेंगे और जो भी ये भी करेंगे। फिर सर से मिलने आया एक दिन, मेरा एक दोस्त है कमल, वो एमएमसी में इस टाइम है, एमएमसी जो टॉप कॉलेज है एम्स के बाद, एम्स दिल्ली के बाद वाला, तो और हमारे सर से मिलने, तो सर डांटने लगे कि तुम बीएससी का क्यों सोच रहे हो, इतना अच्छा तो कर रहे हो, एक बार और ट्राई करो। तो यहाँ पे आए तो सबसे एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन फैक्टर था मेरे लिए मोबाइल भी था एक तरह से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सोचा था कि तीसरे साल की मैं मोबाइल नहीं रखूंगा, स्क्रीन टच जो मोबाइल होती है। तो मैंने एक दो महीने मोबाइल रखा, फिर ले जाके घर पर रख दिया, कीपैड मोबाइल में ले आया, ताकि कोई मतलब एक ऐसा भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन फैक्टर अपने पास नहीं रखना है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो सके। और यहाँ तक कि इतना मैं स्पीड बना लिया था बायो में कि मैं साइकिल से आता जाता था, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर होता है 20-30 पेज का है, सबको पता होगा। मैं साइकिल से यहाँ से वहां रूम से आता था, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, आने जाने में मैं पूरा चैप्टर अपने मन में खत्म करता था, क्योंकि मेरे बायो में मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि बायो तो खराब था ना, बायो में 240-250 नंबर आते थे, और फिजिक्स में मान लो 100+ आने भी लग रहा है, केमिस्ट्री में 100 नंबर आ रहा है, टोटल कितने हुए 450 के आसपास हुए, लेकिन लाना मुझे 600 है 550 है, तो ये चीज नहीं हो पाती थी। तो बायो में क्वेश्चन लगाना शुरू किए, तो बायो भी अच्छा हुआ धीरे धीरे। केमिस्ट्री में पूरा एनसीईआरटी करना शुरू किया, एनसीईआरटी में फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दी गई है, इंटेस्ट क्वेश्चन और जीआरबी का जो एग्जाम्पल होता है, वो सारे करना शुरू किया, मतलब मैं एनसीईआरटी से हर चीजें करने लगा। तो जब मैं यहाँ पे तीसरे साल जब मैं तैयारी शुरू किया फिर से, तो ये था कि मैं अब कोचिंग में सबसे अच्छा करना है, तो मेरे 492 नंबर आए थे सेकेंड अटेम्प्ट में। तो सर से मिलने गए फीस के बारे में, सर मूवी देख रहे थे सुपर 30, उससे निकला था, तो क्लास में बोले थे कि जिसका 500 से कम नंबर रहेगा उसको फी वो नहीं रहेगा, मतलब 500 से ऊपर जिसका रहता होता ना फ्री में कर देंगे, फ्री में तुम लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। मेरा 8 नंबर कम था, तो हम सोचे कैसे होगा, फिर गए ऑफिस में सर से मिलने, तो सर बोले सर एडमिशन लेना था, फीस का थोड़ा देख लीजिए, ऐसे बोले, डर तो लगता ही है सर से, पता है सबको, एसआर सर से और सब सर से लगता है, सर से और ज्यादा लगता है। तो सर बोले चलो दे दो इतना, हम कहे सर देख लीजिए, सर समझ गए क्या कहना चाह रहा है, तो कहे चलो अगला टेस्ट है देना, 4-5 दिन में है। हम बोले ठीक है सर। तो अगला टेस्ट दिए, टेस्ट देके हम घर निकल गए, मतलब उस दिन घर जाना था हमको, तो एक दो दिन में फिर आ गए थे हम। जब आए तो रिजल्ट आ चुका था, तो क्लास में घुसे, नीचे अंडरग्राउंड वाली उधर वाली बिल्डिंग है, तो वहां पे गए, तो अभी रिजल्ट तुरंत आया, तो अभी मोबाइल अभी खोले नहीं थे, सब देख रहे थे, तब तक सर आ गए क्या सर, फिर बोले कि फिजिक्स में किसका जाता है, सर को पता था किसका जाता है, तो सब कोई उठ नहीं रहा है, किसका जाता है कोई उठ ही नहीं रहा है, किसी को कैसे पता रहेगा, मैंने देखा नहीं था और मेरा ही था। तो उस टाइम 130 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरा कोचिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स था, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ बनाए थे सर, आईआईटी जेई और जो भी था एम्स के पीबीआरसी से क्वेश्चन सर दे दिए थे, तो मेरा ठीक ठाक मार्क्स था, और कोचिंग में रैंक 1 था उद्देश्य में। तो बहुत अच्छा लगा सर, मोटे सब लोग ताली बजाए भाई, पहली बार पूरे कोचिंग में रैंक 1 लाना बहुत अच्छा लगता है, कहां मैं -6 पूरे कोचिंग के रिजल्ट में सबसे नीचे रहता था, और कहां मैं कोचिंग के सबसे टॉप पे हूँ, ये कंडीशन आ गया था। तो जैसे सर का क्लास खत्म हुआ, हम सर के पीछे चले गए, कहीं सर भूल ना जाए फी के बारे में बात किए थे सर हमसे। फिर गए, फिर सर को याद था, सर तुरंत बोलिए लिख दिए क्या, चलो ठीक है जाओ, तो हम खुश हो गए। और सोचा इसको मेंटेन रखना है, लेकिन भाई क्लास में सभी टॉपर्स रहते हैं, किसी का कांस्टेंट नहीं रहता है रैंक 1, है ना, अभी भी नहीं रहता होगा, रैंक 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा वेरी करते रहता है, क्योंकि भाई सब पढ़ने वाले होते हैं। तो यही सीन था। तो फिर तीसरे साल करते करते जब अच्छा करने लगे, फिर एक होता ना सर, हमेशा बोलते हैं कि नेचर हमेशा डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, बहुत लोग होंगे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, लास्ट टाइम पे पता है अभी नीट आ रहा है ना 2 महीने, ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना कि आदमी डिस्ट्रैक्ट होते जाता है, जैसे अच्छा करना चाहता वो करता है, मेहनत करता है, लेकिन चीजें नहीं हो पाती है। फिर अब अच्छा कर रहे थे, कोचिंग में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, टॉप 10 में हमेशा रहते थे, कोविड आ गया, अब मामला खत्म, फिर ये हुआ घर पे आना, घर यहाँ रहता तो भाई एसआर सर से मिल लेते, तो चीजें हो जाती, थोड़ा बात हो जाता अच्छे से, एसआर सर का फोन भी नहीं लगता कभी। तो घर गए, तो घर जाने के बाद चीजें खराब हो जाती हैं, सब घर पे सब लोग हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, इधर उधर है सब, कोई खेल रहा है कोई क्या कर रहा है, कोविड में तो यही सब होता था, तो डिस्ट्रक्शन तो काफी था, लेकिन करते करते मैनेज करते करते बहुत गया। लेकिन मेरे फाइनली नीट में 613 मार्क्स आए, जो यही फैक्ट है, मेरे फिजिक्स में 145 के अराउंड मार्क्स थे नीट में, केमिस्ट्री में 156 के अराउंड मार्क्स थे, और बायो में 325-330 के आसपास मार्क्स, मतलब टोटल 613 था एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं कितना था पर सब्जेक्ट। तो ये था मेरा रिजल्ट, मतलब ये था, अंदर से उतनी सेटिस्फेक्शन तो नहीं थी कि मैं इतना मेहनत किया था मुझे उतना नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं जो होता है ना एनसीईआरटी केमिस्ट्री फिजिकल हो या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, एनसीईआरटी पूरी चार्ट डाली थी मैंने, फिजिकल की भी चार्ट डाली थी एक एक लाइन। केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी होता है फिजिक्स का, बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव क्यों लगाते हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव मैच द फ्लोइंग थियोरेटिकल लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर जो होता था सब लगाता था, कहीं ये ना कहने को मिले कि मैं
एग्जाम के बाद कि अरे ये कास्ट कर लिए होते तो और नंबर आ जाता। सिर्फ इस चीज के लिए मैं बहुत मेहनत, मतलब एनसीईआरटी मैंने पूरी लगा ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चन, यहाँ तक कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन चीजें नहीं हो पाती है, कोविड आ गया भाई, चीजें नहीं हो पाई। लास्ट में उतना शायद और अच्छा होता, लेकिन 613 नंबर आ गया और मेडिकल कॉलेज में इंटर कर गए, तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे जैसे लड़के के लिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर मेरे जैसा लड़का कर सकता है तो कोई भी कर सकता है भाई। इसके फिजिक्स में -6 आ रहे हैं, 10-12 नंबर आ रहे हैं, वो जब 145 तक पहुंच सकता है। केमिस्ट्री में कभी मेरा 20-30 नंबर, 40 नंबर से ज्यादा नहीं आता था, 156 लाया मैंने। बायो में कुछ नहीं आता था, एनसीईआरटी कभी देखा नहीं था मैंने, मैंने मिनिमम 50 बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी, लिटरली मिनिमम 50 बार। मैं साइकिल से आता जाता तब एक चैप्टर में खत्म करता था, इतना वो बना लिया था बिल्डअप। मतलब एक होता है ना, आप चैप्टर देखिए एक एक लाइन, ये नहीं कि ऊपर ऊपर एक एक लाइन खत्म, मतलब एक चैप्टर मैक्सिमम 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। इतना तो है, मौके बेसर इंटरेंस चैप्टर अगर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, तो 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए सिंगल लाइन ट्रेडिंग, इतना तो होना चाहिए। आप अगर 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं तो इतना होना चाहिए कि आप कर सकें। तो बस यही थी मेरी कहानी, 613 मार्क्स आए, सेलेक्ट हो गए, फिर यहाँ आए, सर से मिले, सब लोग खुश थे भाई कि चलो सेलेक्ट हो गए कम से कम। उतना अच्छा तो नहीं कर पाए नीट यूजी में, अब देखते हैं, अब नीट पीजी है, नीट पीजी में कोशिश करेंगे अच्छे कॉलेज में जाएं। बस यही मेरी कहानी। कहते हैं ना वो सर, हमेशा बताते हैं इसके यार सर कि वो गीता में कितने लेटर्स होते हैं, 5 होते हैं, कुरान में कितने होते हैं, 5 होते हैं, बाइबल में कितने होते हैं, 5 होते हैं, एनसीईआरटी कितने होते हैं, 5 होते हैं, सर हमेशा कहते हैं। जाहिर सी बात है हम लोग का धर्म ही एनसीईआरटी है। देखिए जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन लिखा ही लिखा है, मतलब उसका होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है उसको, ठीक है। और जो भी है, एक होता है ना सबके अंदर, सर भी कहते हैं मैंने बहुत वो किया है, अपने आप को मैंने देखा है, मतलब नेचर का एक, नेचर को चीजें समझिए आप लोग। जैसे एग्जाम आ रहा है तो चीजें होंगी, बहुत लोग साथ बहुत बहुत बुरी चीजें होती हैं, किसी घर क्या हो जाता है, किसी घर क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट करना चाहेगा नेचर, लेकिन उसको आप लड़ लेंगे तो फिर पक्का है सिलेक्शन होगा। और 2-3 महीना जो बचा है इसमें डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, मतलब आप लोग तो टॉपर है, क्या बताऊं मैं, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। अपने हिसाब से भाई स्ट्रेटजी आप लोग की होगी अपनी, तो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हाँ जो अच्छा कर रहा है और अच्छा कर सकता है। मतलब जिसके 600 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो पक्का है कि 650-700 भी पहुंच सकता है। मेरा भी टारगेट, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं 700 तक पहुंचूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, मतलब इतना था, बहुत किया था यार, दिन रात मेहनत किया। जब दूसरे साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं बहुत रोया भी था कि इतना मेहनत करने के बाद मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो फिर तीसरे साल किया, करते करते कोविड आया, जो भी हुआ फाइनली सिलेक्ट हो गया। इस टाइम मेडिकल कॉलेज में है, मेरा फाइनल ईयर है, इसके बाद इंटर्नशिप होगा, उसके बाद पीजी का एग्जाम, उसके बाद कहीं जीआरसी होगी। तो बस यही है, बाकी है। किसी को कोई कुछ ना देखा। तो ये है ऋषभ वर्मा। हम लोग अपने मोटिवेशन में कोई भी यदि बोलता है तो हम लोग बस यही कहते हैं कि यदि ऋषभ वर्मा का सिलेक्शन हो सकता है तो दुनिया में किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। ये खुद अपने मुंह से ही पूरा बात बता दिए, ठीक है। और इनका इतना नंबर उस टाइम पे था कि बीआरडी भी जा सकते थे, लेकिन अपने दोस्त के लिए आजमगढ़ चले गए, ठीक है। तो इतना नंबर था कि मतलब जो संदीप के बारे में बताया उसी की वजह से केवल आजमगढ़ चले गए। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए, और जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने बच्चे हमारे बैठे हुए हैं सारे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। तो अभी आप लोगों का बस यही काम है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है उसको मेंटेन रखिए, 700 में पहुंचिए। ईसा जैसे लास्ट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में एसआर सर ने बोला अब की बार 700 पर, तो ईशा ने किया, तो ऐसे सारे लोग करें। और भाई हम लोगों की तो यही अपेक्षाएं होती हैं, यही आकांक्षाएं होती हैं कि हमारे सारे बच्चे 720 नंबर पा जाए। और इसमें आप बिल्कुल भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस स्टेज पे हैं, एक इतना आप लोग डिजर्व करते हैं कि बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज, इतना आप लोग डिजर्व करते हैं। बस इस 2 महीने को आप लोगों को अपने आप को बचा के रखना है सारे डिस्ट्रैक्शन से, जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हैं उससे बच जाइए। यदि कोई कुछ कहता है, जिसके कभी कुछ लोग घर से आते हैं, कुछ लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, जो भी हमारे संबंध है, रिलेशंस है, यदि कोई कुछ कहता है कंप्लीट आप 2 महीना इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। बाकी इसके यार सर आप लोगों को आए दिन हमेशा बताते उताते रहते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स का सबको इंतजार है, लेकिन आप लोग अपने बस पढ़ाई का इंतजार करिए, ज्यादा टाइम कोई नहीं लेगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा बूस्टअप इसके यार सर का जो प्रयास है, ठीक है, अब लगता होगा कि हाँ 20-25 मिनट गया, लेकिन ये आपके रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है कि नहीं है। इसी से थोड़ा सा देखिए, अभी पहले शुरुआत में 25 बच्चों की संख्या थी, आज 61 स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने मतलब टोटल 600 से एबव मार्क्स गेन किया है,
गुरुकुल में 600 से एबव मार्क्स पाने वाले 61 स्टूडेंट हो गए हैं और शुरुआत में 25 स्टूडेंट की संख्या थी। ठीक है, तो जैसे ही संख्या बढ़ती जाए हम लोगों की यही अपेक्षा है, यही आकांक्षा है। ठीक है, खूब मेहनत करिए, 700 से एबव बढ़िए। ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे तो उसमें प्राइज की अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़िए, ठीक है, प्राइज का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी किसी को समस्या होगी तो सर लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है।